नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2019 के साथ ही मायावती ने अशोक गहलोत सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। 2018 में एससी एसटी और भारत बंद वाला मामला हुआ था, जो आप सबको याद होगा। भारत बंद के दौरान पुलिस द्वारा कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई थी, कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज पुलिस ने किया था। उसी मामले को लेकर मायावती ने राजस्थान सरकार को चेताया है कि जो दलितों पर जो पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, उन्हें सरकार वापस नहीं लिया तो गठबंधन में बाधा आ सकती है। इसके बाद अशोक गहलोत भी इस मामले में नरम नज़र आए और अशोक गहलोत अब कुछ दबाव में भी बने हुए हैं। उन्होंने मायावती की बातों पर मंथन भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि मायावती गलत नहीं बोल रही है, वो सही बोल रही है, क्योंकि उनकी एक मजबूरी ये भी है कांग्रेस सरकार की, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी अकेले कांग्रेस के सहारे चुनाव नहीं जीत सकते, उनको सहारा लेना पड़ेगा गठबंधन। और अगर मायावती उनसे नाराज़ हो जाती है तो कांग्रेस को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गठबंधन के बगैर राहुल गांधी का पीएम बनना एक सपना ही बनकर रह सकता है। इसलिए अब मायावती की बातों के दबाव में आकर अशोक गहलोत ने जो दलितों पर जो मामले हुए थे उनकी जो फाइलें हैं वो वापस निकाल भी ली है। तो ये थी आपके लिए जानकारी। आपको अगर ऐसे ही न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको छोटी से छोटी न्यूज़ देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।